हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए दो स्टॉक चुने हैं। एक है रुचिरा पेपर और दूसरा है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। रुचिरा पेपर का यहाँ एक मंथली चार्ट है। रुचिरा पेपर ने 2012 में 8 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टेडीली स्टॉक ऊपर ही गया। 2018 में 220 का हाई बना। आप यहां देख सकते हो ए एवरेजेस के ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने कभी क्लोजिंग बेसिस पे ए एवरेजेस को ब्रीच नहीं किया। इसके बाद स्टॉक एक करेक्शन जोन में आया, लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स, और स्टॉक ने मार्च 20 में 27 का लो बनाया। लेकिन आप ये पूरा एक यहाँ से लेके ये ट्रेंड लाइन और यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन और ये जो पूरा पैटर्न है इसमें ये हायर बॉटम्स गिना जा सकता है। तो स्टॉक ने अभी अभी एक मंथली बार सपोर्टेड बाय वेरी गुड वॉल्यूम 94.65 का एक हाई बनाया, जो प्रीवियस हाई 74.55 और 91 के हाई से ऊपर बंद दे दिया है और पूरा एक पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स और ADX का सहारा लिया है और दोनों में एक अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि रुचिरा पेपर, जिसका करंट मार्केट प्राइस 91 है, उसका टारगेट आने वाले दिनों में 130, 150 और 180 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 85, 80, 75, 72 और 68, और ए ट्रेड में 63 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं अगले स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट है। डिक्सन ने जनवरी 2021 में 2689 से अपना एक अपमूव स्टार्ट किया, थोड़ा सा वापस एक कंसोलिडेशन जोन, वापस एक अच्छा अपमूव, और मार्च 21 में 4588 का हाई बना। उसके बाद करेक्शन आया, स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि हायर बॉटम बनते गए। वापस स्टॉक ने एक ऊपर जाने की कोशिश की, 4322 का हाई बना, वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। यहाँ पे वापस एक बाइंग आई और स्टॉक ने ऊपर एक प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, लेकिन वापस यहाँ पे उसको सेलिंग फेस करना पड़ा और 4095 का लो बना। तो ये पूरा ये जोन है, एक पैटर्न बन गया। स्टॉक का 200 DMA एक राइजिंग मोड में था। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमें डिमांड इंडेक्स, वॉटेक्स इंडिकेटर और ADX का सहारा लिया है और तीनों में पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। अभी अभी स्टॉक ने जो पूरा पैटर्न बना उसका एक ब्रेकआउट दिया है, सपोर्टेड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो हमें लगता है कि डिक्सन, जिसका करंट मार्केट प्राइस 4422 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 5200, 5600 और 6000 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 4300, 4200, 4115, 4050, 3975 और ए ट्रेड में 3750 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। थैंक यू। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Ventura Securities Limited, SEBI registration number, INH 00001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company, such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.